बिजनेस या सेल्स कैसे आता है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सन्मित्रबन कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ। हम हमारे जो बोरोवर्स है, कस्टमर्स है, उनके लिए बिजनेस सेशंस लेते हैं, वर्कशॉप सेमिनार्स लेते हैं। उसके अंतर्गत मैं भी आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से। हर आदमी अपना बिजनेस या सेल्स बढ़ाने में उत्सुक रहता है। हर जो बिजनेस मैन है उसको लगता है कि मेरा सेल बढ़ना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, क्योंकि सेल में आता है रेवेन्यू, पैसा आता है, माल आता है। तो सेल्स बढ़ाने में हर एक जन उत्सुक है। सेल्स में क्या होता है, सेल्स में मेन तीन फैक्टर होते हैं। एक मतलब क्या है कि नंबर एक आपके कस्टमर्स कितने हैं, नंबर एक आपका कस्टमर कितने नंबर, कितने ग्राहक आपके पास में आते हैं, नंबर दो एक ग्राहक कितना माल खरीदी करता है, और नंबर तीन वो बार बार कितने बार आपके पास में आते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो ग्राहक कितने हैं, कितना माल लेता है, और कितने बार वो बार बार आता है आपके पास में, एक महीने में कितने बार आता है, एक साल में कितने बार आता है, तो इसके ऊपर रेवेन्यू है। तो आप जब डिजिटल मार्केटिंग करते हो या जो भी तरह आपके मार्केटिंग करते हो, तो उसमें चार मेन फैक्टर होते हैं। वो है कि नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड, मतलब कितनी इंक्वायरी आप करते हो, तैयार करते हो बाय मार्केटिंग, बाय एडवर्टाइजिंग। आप मार्केटिंग करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड, कितनी लीड्स आपके तरफ आती है। फिर जितनी भी लीड्स, जितनी भी इंक्वायरी आ रही है, उसमें से आपको कन्वर्शन रेशियो कितना है, नंबर दो। कन्वर्शन रेशियो मतलब 100 लीड आती है उसमें से कितने लोगों ने एक्चुअली माल खरीदा आपका, वो हो गया नंबर दो। नंबर तीन एवरेज परचेज वैल्यू क्या है, मतलब एवरेज में एक ग्राहक कितना माल खरीदता है, तो वो तीन हो गए। और नंबर चार नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, वो कितने बार आता है आपकी तरफ। तो जब आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक दो तीन चार, नंबर ऑफ लीड्स, कन्वर्शन, कितना माल एक जन खरीदता है, कितने बार खरीदता है, तो यहां से ही आपका रेवेन्यू बनते रहता है। फिर आपका क्या होगा कि भाई एक तो आप लीड ज्यादा जनरेट करो, जितने इंक्वायरी जनरेट करेंगे उतना ज्यादा कन्वर्शन होगा, जितना ज्यादा कन्वर्शन होगा उतना माल आएगा। तो फिर आपको ये देखना है कि एवरेज परचेज वैल्यू जो है, हर कस्टमर जो आपके तरफ आता है, तो उसके एवरेज परचेज वैल्यू बढ़ाना। तो एवरेज परचेज वैल्यू बढ़ाना मतलब क्या है कि एक आदमी समझो आपके पास में 2,000 रुपये का माल खरीदने आ रहा है, तो आप उसको 2,500 का, 3,000 का माल दे रहे हो। मतलब आपका सेल्समैन इतना अच्छा है, इतनी अच्छी टीम है कि 2,000 का बजट वाला जो आदमी, उसको आप 3,000 का ले रहे हैं। मतलब समझो एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए एक व्यक्ति आया हुआ है और वो उसका बजट है कि समझो 15,000 का मोबाइल खरीदना है, तो वो 15,000 का जो मोबाइल खरीदने आया हुआ है उसका आप अच्छा वर्षन, नया वर्षन आप देते हो और हायर वैल्यू का देते हो, और आप 15 का जो लेने माल आया हुआ है उसको 20,000 का आप दे रहे हो, तो आपका एवरेज परचेज वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं अप सेलिंग, हायर सेल कर ली। दूसरा होता है क्रॉस सेलिंग, मतलब एक मोबाइल खरीदने आया हुआ है तो आप मोबाइल के साथ साथ उसको जो बाकी मोबाइल को जो लगने वाला माल है वो भी दे रहे हैं, मोबाइल का कवर दे रहे हैं, फिर ईयरफोन्स दे रहे हैं, ब्लूटूथ दे रहे हैं, या जो भी आप मतलब जो खरीदने आ रहे हैं तो उसको एक रिलेटेड जो माल लगता है वो भी वो उस आपके पास से खरीदता है। तो 15,000 का माल लेने आया, सिर्फ मोबाइल लेने के लिए आए हुए हैं, आप उसको क्रॉस सेल कर रहे हैं, उसको अलग अलग उसको रिलेटेड दे रहे हैं, या फिर और दूसरा जो उसका रिलेटेड नहीं है वो भी दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास में वो शोकेस में पड़ा हुआ माल है। शोकेस में बहुत ज्यादा माल दिखता है, नेचुरली जब देखता है वो तो बोलता है हाँ चलो ये भी दे दो, ये भी दे दो, उसके पास में माल है तो, मतलब पैसा है तो। तो इस तरह से आप यदि करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो ज्यादा आ रहा है। ज्यादा रेवेन्यू आता है तो नेचुरली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो है इसमें आप काफी लीड जनरेट कर सकते हैं, काफी इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हैं, और फिर बाद में जो ग्राहक आता है उसको आप ज्यादा माल बेच के अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग करके आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी बिजनेसमैन को शेयर करो, ताकि वो अपना बिजनेस एक नए लेवल पे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।